एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी को फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो थंबनेल देखकर तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि आज किस विषय पर वीडियो बनने जा रहा है। मेरे लिए बहुत स्पेशल है ये वीडियो, क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं, मैं तो नहीं मेरी वाइफ बनाने जा रही है, आटा का थुप्पा। बहुत स्पेशल डिश है, पहाड़ में हमारे दार्जिलिंग खरसाँग जितने भी जगह है वहाँ पर बहुत ज़्यादा खाए जाने वाला ये डिश है। स्पेशली विंटर में तो बहुत ज़्यादा ही लोग इसको पसंद करते हैं और खाते हैं। तो मेरी वाइफ ने बोला कि आज चलो बनाते इसको। मैंने लाइफ में कभी नहीं खाया ये चीज़। आप कितनों ने ये आटा का थुप्पा खाया, प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। और कौन से जगह पर आप लोग ने खाया है, क्योंकि ये तो मेरे लिए पहली बार, मेरा लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है। सो आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। तो चैनल पे नए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, विजिट करिए, तो चैनल को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और स्पेशली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आप लोग प्लीज़ हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो क्या क्या देखना चाहते हो। अभी हम लोग बाहर नहीं जा रहे, तो घर पर ही कुछ बनाते हुए या कुछ करते हुए हम लोग वीडियो डाल रहे। सो थैंक यू सो मच जितनों ने भी सपोर्ट किया लास्ट वीडियो में, जो हमारा मोमो बनाने का मोमो बना के डाला था हम लोगों ने वीडियो, जितनों ने भी सपोर्ट किया, जितनों ने भी देखा, थैंक यू सो मच। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कुछ देरी के, और देखते हैं ये आटा का थोप्पा कैसे बनाया जाता है, क्योंकि मैंने भी कभी नहीं बनाया, कभी खाया भी नहीं है। सो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, यहाँ पर मेरी वाइफ, आज तो मैं सिर्फ वीडियोग्राफर हूँ, कुछ भी नहीं करना है। मेरी वाइफ यहाँ रेडी कर रहे हैं। यहाँ पर इस कुकर में क्या है अभी? इस कुकर में मटर बन रहा है, मटर चना और आलू है ना? हाँ। इसमें मटर चना और आलू है। यहाँ पर आटा गूंथ के रेडी हो चुका है, तो देखते हैं आगे आगे होता है क्या। ये हो रहा है आटा रेडी, और इसको बेलेंगे और रोटी की तरह बनाएंगे। मुझको आइडिया तो है कैसे बनाते हैं, मगर क्या क्या डालता है, क्या क्या होता है, कुछ भी नहीं पता है। आज खाएंगे, आज खाएंगे। ये हो गया शुरू, फर्स्ट रोटी। आज तो मुझको सिर्फ इस कैमरा पकड़ के बैठना है, कुछ नहीं करना है, बस आज ब्लॉग बनाऊंगा सब पे। मेरी वाइफ बनाएगी सब कुछ आज। अब ये बनने जा रहा है हम लोग का रोटी, मगर इसको पूरा नहीं पकाएंगे, थोड़ा सा ही पकाएंगे इसको, पूरा नहीं पकाना है ना? पूरा नहीं पकाना है, थोड़ा सा ही पकाना है। इसको थोड़ा सा ही पकाएंगे, उसके बाद फिर जब इसको पूरा कट करके डालेंगे सूप में ना, उसके बाद फिर पूरा पकाएंगे इसको। ये हो गया शायद, देखिए गाइस, हम लोग ने ये आधा पकाया था और इसको एक एक करके कट करेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा नहीं पका है, सिर्फ आधा पका हुआ है। नूडल्स की तरह देखिए गाइस, ये रेडी हो चुका है कट कर यहाँ पर पूरा। और ये दोनों के लिए तो ये बहुत इनफ है, और बाकी चीज़ अभी बनना शुरू। गाइस, ये सब कुछ कट के रेडी है। यहाँ पर प्याज, टोमेटो और स्प्रिंग ऑनियन, और ये है जिंजर गार्लिक। और ये शुरू हो रहा है अभी
आटा का थोपा बनना। ये मेरी वाइफ शुरू कर रही है अभी। यहाँ पर है आलू, चना, मटर। चना और मटर पहले ही बॉईल करके रखा हुआ था, अब ये इसके साथ पकाएंगे। ये मसाला है एकदम। और गाइस, आप लोग किस तरह से बनाना चाहते हैं, आप लोग वो इंग्रेडिएंट्स डाल के बना सकते हैं। किसी को नॉन वेज खाना है तो नॉन वेज, और किसी को वेज खाना है, और किसी को सिर्फ सादा बना के खाना है, दाल में भी बना के खा सकते हैं। चाउमीन भी बना के खा सकते हैं इसको। और ये पहले आ चुका है हमारा तेल, तो हम लोग मस्टर्ड ऑयल में बना रहे हैं। उसको थोड़ा गर्म होने देंगे और उसके बाद ये सब आप लोग को दिखाएंगे। इसमें गया जीरा, ये पहले डाल रहे हैं जीरा। इसके बाद आएगा प्याज। अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन का टमाटर भी गया अंदर। अब इसको अच्छे से पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। अभी गाइस ये है लोका जीरा पाउडर, जीरा पाउडर ज्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा ही। धनिया पाउडर, धनिया पाउडर, और ये लाल मिर्च, ये है लाल मिर्च, और टर्मरिक पाउडर, ये है हल्दी पाउडर टर्मरिक, और अजिनोमोटो, अजिनोमोटो, और नमक, नमक हुआ, नमक हुआ, नमक स्वाद अनुसार नमक। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे चलाकर। और गाइस, ये आप लोग देख सकते हैं, जितने भी हमारे दार्जिलिंग, जितने भी पहाड़ में ऊपर रहते हैं, सिलीगुड़ी में जो जो रहते हैं, शायद ज़्यादातर नेपालियों को पता होगा ये क्या है। ये है रूट टमाटर, और आज इसी का चटनी बनाएंगे। जो नॉर्मल टमाटर होता है वो दूसरा होता है, मगर ये जो होता है रूट टमाटर बोलते हैं, क्योंकि इसको पेड़ पे मिलता है तो इसको रूट टमाटर बोलते हैं। सो आज ये अगर कच्चा है और ज़्यादा पक जाएगा तो बहुत खट्टा होता है, तो इसका चटनी बनाने हम जा रहे हैं। क्योंकि इसमें जो मेरी वाइफ बोल रही थी, जो ये आटा का थोपा है उसमें ये टमाटर का चटनी बहुत ही फ्लेवर देता है और बहुत ही अच्छा होता है। गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर मसाला रेडी हो चुका है, और हम डाल देंगे आलू, चना और मटर का मिक्स यहाँ पर, जो हम लोग ने पहले ही बॉईल करके रखा था। इसको अच्छी तरह से पकाना है। अब इसको अच्छे से पकाएंगे, उसके बाद तुप्पा डालना है, उसके बाद तुप्पा डालना है, तुप्पा डालना है। तुप्पा क्या है हमारा यहाँ पर, ये इसको डालेंगे फिर यहाँ पर। ये होम मेड तुप्पा है, बाहर से नहीं लाया, मैदा का नहीं है, आटा वाला है। और यहाँ पर वो टमाटर बॉईल हो रहा है।
गाइस देखिए ये हमारा सूप रेडी हो चुका है। अब डालेंगे ये नूडल्स, आटा का होममेड नूडल्स। घर का खाना ही खाना अच्छा है ना हेल्थ के लिए। सोशल मैसेज भी दे रही है मेरी वाइफ, घर का खाना सबसे अच्छा। हम लोग तो बाहर के खाना खाते नहीं, चुप करके खाते हैं। जो भी बनाना होता है घर में बना के खाते हैं। आसमान भाई अब इसको थोड़ा बॉईल करेंगे, पकने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा हमने बिगिनिंग में बोला था जो आटा है उसको केवल हाफ ही हम लोगों ने पकाया था, जब रोटी बना रहे थे हाफ ही रोटी बनाया था। तो अब इसको अच्छे से ये वेजिटेबल के साथ हम लोग पकने देंगे इसको। इसको ज़्यादा नहीं पकना पड़ेगा क्योंकि ये पहले से ही पक चुका है। गाइस देखिए ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है ये, दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी टेस्ट करके देखेंगे, मेरा तो पहली बार है, पहली बार खाने जा रहा हूँ मैं। सो डायरेक्ट मिलते हैं डाइनिंग टेबल पर। सो गाइस फाइनली बन के रेडी हो चुका है हमारा आटा का थुप्पा, मैं पहली बार खाने जा रहा हूँ लाइफ में। सो लेट्स ट्राई। अच्छा बना है, तेरा पूरा खाऊंगा तभी बता पाऊंगा। सो थैंक यू सो मच, अभी तक जितनों ने भी वीडियो देखा तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और जाते हुए वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।